हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर एस के मिश्रा, वेलकम ऑन माय ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं जनरली पेशेंट ओपीडी में आज के डेट में काफ़ी आ रहे हैं और पेट की समस्याओं से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से हम जनरली इस टॉपिक पे बात करेंगे। और बड़े मज़े की बात है कि जो पेशेंट हैं वो उनको जो पेट की बीमारियाँ हो रही हैं वो पानी पीने की और खान पान के गलत आदतों की वजह से हो रही हैं। बड़ा ये प्रमुख पॉइंट है जो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने के लिए उठाए हैं कि पानी पीने के गलत तरीके से आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आइडियल तरीका होना चाहिए कि यदि आप पेट की समस्या से पीड़ित हैं और पेट की समस्या से पीड़ित नहीं होना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो क्या नियम होने चाहिए। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो शरीर है, शरीर में पानी का बड़ा महत्व होता है। वाटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है भीषण गर्मी पड़ रही है और जून जुलाई का महीना चल रहा है। इस वजह से पानी की भूमिका शरीर में बहुत ज़रूरी है और जनरली सभी लोगों को पानी जो है प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए और पानी जो हो वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब उसमें जो कंटेंट हैं, जो पानी में जो केमिकल और सामाजिक जो भी इसमें कंटेंट होते हैं वो प्योरीफाइड होना चाहिए। तमाम चीज़ें पानी में अवश्य होनी चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, जनरली पेशेंट ओपीडी में आते हैं और उनकी काउंसलिंग करने के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन्हें पेट की कोई समस्या नहीं है और वो पेट की समस्या से परेशान रहते हैं। लेकिन जब उनकी काउंसलिंग की जाती है तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं पानी पीने की गलत आदत की वजह से और खाने की गलत आदत की वजह से वो परेशान हैं और इसकी वजह से वो परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। और इसलिए ये पॉइंट और ये वीडियो बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा गया, इसलिए इस ब्लॉग को मैं आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, होना क्या चाहिए कि यदि आपने कोई भी मील, कोई भी फूड मटेरियल लिया हुआ है तो फूड मटेरियल को लेने के बाद, जैसे मानिए आपने मेजर मील लिया है या माइनर मील लिया है, मैं मेजर मील की बात करूं तो यदि आपने दिन का लंच या रात का डिनर लिया हुआ है तो खाने के बाद आपको जो वाटर इनटेक है वो कम से कम करना चाहिए। मिड मील, यदि आप खाने के दौरान थोड़ा बहुत पानी, यदि आपको लगता है कि आपके इसोफेगस में, आहार नाल में कोई कण जो है वो फंस गए हैं, कोई पार्टिकल जो है वो चुप कर रहा है, तो आप वहाँ पर वाटर इनटेक कर सकते हैं। परंतु खाने के बाद पानी का प्रयोग कितना कम करेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए और उतना आपके लिए एब्डोमेन के लिए निश्चित तौर पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और बड़े मज़े की बात है कि मैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेशेंट में ये बात समझा समझा के पेशेंट को बहुत आराम दिया है मैंने, और इसलिए इस ब्लॉग को मैं वायरल कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी इसके महत्व को समझा रहा हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर। और खाने से पहले आप चाहें तो पानी इंटेक कर सकते हैं और कोशिश करें कि सूर्य, जब आपका सनलाइट जो है वो फोकस पॉइंट पे हो, काफ़ी आगे हो, तो आप, मेरे कहने का मतलब दिन में आप जनरली भोजन करें, जो भी आपका मेजर भूख है, जितनी भी आप डाइट लेते हो दिन को खाएं और रात को खाना जितना हो सके उतना कम करें। कोशिश करें कि रोटी सब्जी पे डिपेंड रहें तो बेटर है, लेकिन जनरली जो परिवार और जिस घर में लोग रात को ज़्यादा खाना खाते हैं, रात को मेजर मील लेते हैं और दिन का खाना कम करते हैं, वो जनरली पेट की परेशानियों से सफ़र करते रहेंगे। और जिनको स्वस्थ रहना है उनको जो नियम है, जो मेडिकल साइंस एडवाइस करता है, वो ये करता है कि आप दिन का खाना आप हैवी ब्रेकफास्ट करें, हैवी लंच करें और लेस डिनर करें, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और खाने के दौरान यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वाटर इंटेक करें, वो भी लिटिल अमाउंट में, और खाने के बाद कोशिश करें कि पानी ना पिएं। और डाइट जो है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है इस वजह से आप जितना लेस डाइट और जितना सादा खाना खाएंगे उतना आप अच्छा महसूस करेंगे। मैंने ऐसे पेशेंट को देखे हैं जो महीने में 7 दिनों में 5-6 दिन जो है वो क्या नाम है कि हैवी प्रोटीन आइटम, जैसे कि पनीर हो गए, मशरूम हो गए, नॉन वेजिटेरियन चिकन मटन, ये हैवी मील खा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पेट की परेशानियों से सफ़र रहेंगे और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर भी उन्हें कॉज हो सकता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल IBS भी उन्हें सिंड्रोम भी उन्हें कॉज हो सकता है। और ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में आज की डेट में काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। तो मित्रों, ये छोटा सा ब्लॉग था कि पानी, जो इसका शीर्षक है कि पानी पीने का सही तरीका,
और नियम जो है आपको बीमारियों से बचा सकता है। कृपया इसको अपने जीवन में फॉलो करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।